हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. माइसेल डॉक्टर मोनिका महेश्वरी, सीनियर कंसल्टेंट इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट एट अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल अमृतसर. आज मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताने जा रही हूँ, जो एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है और इसकी ज़्यादा जानकारी है नहीं लोगों को. सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ जनवरी का है ये, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी. सर्वाइकल कैंसर जो है ये सर्विक्स का कैंसर होता है, सर्विक्स जो यूट्रस का एक पार्ट होता है. एंड दिस सर्वाइकल कैंसर इज अ मेजर किलर डिजीज. इंडिया के अंदर, औरतों के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर ही है. हर साल मोर देन 300,000 वुमेन आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस कैंसर. एंड इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कैंसर की कि दिस इज़ 100% प्रिवेंटेबल. इसको हम 100% क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज कर लें. सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है? यह एक वायरस, HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम मेल्स टू फीमेल्स. इस वायरस के थ्रू जो चेंजेस आते हैं सेल्स के ऊपर, सर्वाइकल सेल्स के ऊपर, 90% केसेस में ये चेंजेस अपने आप ठीक हो जाते हैं इंसान की अपनी इम्यून सिस्टम की वजह से. बट कुछ परसेंट केसेस के अंदर ये चेंजेस परसिस्ट करते हैं, वायरस परसिस्ट करता है और धीरे धीरे ये सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल सेल्स के चेंजेस को कैंसर सेल्स बना देता है. एंड विद टाइम, विद इन 5 to 10 years, धीरे धीरे ये कैंसर बन जाता है. अब इसके सिम्टम्स क्या है? यूजली जो माइल्ड केसेस होते हैं उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट एडवांस केसेस में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? एक कि जस्ट आफ्टर इंटरकोर्स ब्लीडिंग हो सकती है. सेकेंड इज अ ब्लडी म्यूकस डिस्चार्ज, विजाइनल डिस्चार्ज, विच कैन बी फॉल्स मेल. एंड थर्ड इज द पेल्विक पेन और द पेन इन द लोअर एब्डोमेन. हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस कैंसर? इसका क्या बचाव है? बेसिकली दो है जिससे हम इससे बचा सकते हैं. एक है वैक्सीनेशन और एक है स्क्रीनिंग. वैक्सीनेशन, जैसे हम बच्चों को DPT पोलियो की वैक्सीन कराते हैं, वैसे ही इस सर्वाइकल कैंसर के लिए भी एक वैक्सीन अवेलेबल है, HPV वैक्सीन, जो लड़कियों में 9 साल से लेके औरतों में 45 ईयर्स तक के एज ग्रुप में हम इसको लगा सकते हैं. और बेस्ट है अगर इस कैंसर को लड़कियों में बिफोर मैरिज लगाया जाए. अगर हम इस वैक्सीन को बिफोर 14 ईयर्स ऑफ एज में लड़कियों में लगाते हैं तो इसके सिर्फ 2 डोजेज लगनी होती हैं 6 मंथ्स के गैप पे. और अगर आफ्टर 14 ईयर्स की एज के बाद लगाते हैं तो इस वैक्सीन के हम 3 डोजेज लगाते हैं 0, 2 and 6 months के गैप पे. तो इस वैक्सीन को ज़रूर लगाइए, अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए और हर गर्ल्स को एंड वीमेंस को ये वैक्सीनेशन जरूर करवानी चाहिए. दूसरा मेथड जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इज़ दी पैप्समेयर स्क्रीनिंग मेथड. ये हर लेडीज़ में आफ्टर मैरिज टेस्ट होना चाहिए, जो हर 3 साल से रिपीट किया जाता है. दिस इज़ एन OPD प्रोसीजर. इसमें हार्डली जस्ट 2 मिनट्स लगते हैं एंड इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर. एंड इसके थ्रू जो चेंजेस सेल में आते हैं उनको डायग्नोज कर लेते हैं. अगर चेंजेस अर्ली स्टेजेस में होते हैं तो उसका कई बार हम माइनर ट्रीटमेंट से ही उसको हम ठीक कर सकते हैं, और एडवांस स्टेजेस में होते हैं तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट करा के इस कैंसर को हम स्प्रेड करने से बचा सकते हैं. और इसका 100% फिर सर्जरी से क्यूर ट्रीटमेंट है. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस कैंसर को हम रेगुलर प्रॉपर वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग कराया जाए तो दिस कैंसर इज 100% क्योरेबल. एट द एंड आई वुड लाइक टू से, डोंट वेट, गेट इट चेक्ड. प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स. थैंक यू.